हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टार्टअप में, जहाँ कॉन्सेप्ट ही पावर है बॉस। फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज हाउ कैन यू डू फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको इसी तरह नॉलेजफुल वीडियोज मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, मैंने फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक डमरू मेथड लेके आया। ओके, ये डमरू मेथड का कॉन्सेप्ट मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, इससे मैं बहुत फास्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ पहले टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैं पहले इसे डमरू मेथड अप्लाई करके खुद एक मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो नंबर मैंने ले लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें तुरंत ही आंसर मिल गया। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है, क्या है ये डमरू मेथड। फ्रेंड्स, मैंने इसका नाम डमरू इसलिए दिया क्योंकि मुझे जिस वे से मल्टीप्लिकेशन करना है उसका जो शेप आ रहा था वो डमरू की तरह आ रहा था, और ये आपके लिए याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ चार नंबर है। मैंने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। ओके, तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे और जो कैरी होगी वो बीच में यहाँ लिख देंगे। इसी तरह फिर क्या करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस नंबर से जो इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर इससे प्लस करके जो भी आता है वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से हमें जो कैरी मिलती है उसे इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, फिर इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन इससे करके यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद फाइनली यहाँ लिख देंगे। तो चलिए मैं एक बार इसे एक नए क्वेश्चन के साथ आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं देखिए 4, 6, 8, 6 ये दो नंबर ले लिया। तो देखिए, मैं यहाँ 6, 6 जा 36, तो मैंने यहाँ 36 में 6 यहाँ लिख लिया और कैरी 3 ऊपर यहाँ लिख लिया। फिर 8, 6 जा 48, यहाँ मैंने 48 लिख दिया। 6, 4 जा 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया। ओके, फिर इन सारे नंबर को जोड़ने के बाद मुझे जो मिलता है 75, तो मैं यहाँ 5 और यहाँ कैरी 7 लिख दिया। ओके, फिर 8, 4 जा होता है 32, यहाँ मैंने इसे 32 में प्लस कर दिया तो मुझे मिला क्या, 39। देखिए आंसर कितनी जल्दी आ गया। ठीक, अब ये तो था टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक झट से करके आपको दिखाता हूं। 2, 3, 2, 2, 4, 6, मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, इसे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 6, 2, 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
इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये कैसे करेंगे, इसके लिए जो मैं मेथड है उसका नाम है डबल डमरू मेथड। देखिए इसमें डबल डमरू है इसीलिए इसका नाम डबल डमरू हो गया। ये कुछ इस शेप का है। इसे समझते हैं इसे कैसे मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमें 3 ऊपर नंबर मिल गए और 3 नीचे। तो पहले मैं इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसमें करूँगा, जो भी मुझे मिलेगा यहाँ लिखूँगा, फिर जो
हमें कैरी मिली वो यहाँ लिखूंगा, फिर इसमें इसका नंबर इसमें करूंगा मल्टीप्लाई जो मिलेगा यहाँ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख के इन तीनों का प्लस करके फिर जो मुझे मिलेगा यहाँ लिखूंगा। उसके बाद से फ्रेंड मुझे जो कैरी यहाँ पे मिली यहाँ से वो यहाँ लिखूंगा। ओके अब फ्रेंड इस नंबर का मल्टीप्लाई हमें इस वाले नंबर से करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई हमें इस वाले नंबर से करना है, एंड देन इस नंबर का मल्टीप्लाई हमें इस नंबर से करना है। तो जब मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, यहाँ से यहाँ करूंगा तो मुझे एक मिलेगा, फिर इसका मैं इससे करूंगा तो फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, फिर इन सारे का सम करके जो मुझे मिलता है मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर यहाँ से जो मुझे कैरी मिलती है मैं यहाँ लिखूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा जो मिला यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे जो मिला यहाँ पे। ओके फिर इन्हें प्लस करने के बाद जो मिलता है यहाँ लिखने के बाद जो कैरी है यहाँ लिखने के बाद कैरी यहाँ लिखूंगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे जो आएगी मल्टीप्लाई यहाँ लिखूंगा, फिर इन दोनों का सम जो आएगा यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसे देखते हैं एक नए क्वेश्चन से। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ 2, 5, 3, 4, 2 and 3। ओके तो देखें 4 3 12, 2 1 कैरी प्लस 3 2 6, 5 4 5 20 प्लस किया मैंने कितना आया 26 27 का 2 कैरी आया 2। अब यहाँ पे क्या करना है 4 2 8, 3 3 9, 2 5 10। अब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29। तो 9 यहाँ लिखने के बाद यहाँ कैरी में 2, फिर 2 2 4, 3 5 15, प्लस किया कितना आया 21 का 1 कैरी यहाँ पे 2, फिर 3 2 6 कितना आया 8। देखिए फ्रेंड्स हमें कितने आसान तरीके से हमें यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डब्लू वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक जोरदार लाइक करिए जिससे मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजफुल वीडियोस बना सकूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।